प्रकाश धनखड़ से मिला और मंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया। कृषि मंत्री धनखड़ ने आंगनवाड़ी वर्करों को सीएम से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर धरनास्थल पर जाकर आंगनवाड़ी वर्करों को आश्वासन देने की मांग पर अड़ी रहीं। लेकिन मंत्री ने धरनास्थल पर जाने पर धरना समाप्त करने की बात कही, जिसे आंगनवाड़ी वर्करों ने इनकार कर दिया और गुस्साई आंगनवाड़ी वर्कर धरनास्थल पर पहुंच गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष छोटा गहलोत ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती तो आंगनवाड़ी वर्कर पंचकूला पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगी और मुंडन करवाएंगी। इससे पूर्व मंत्री ने अपने निवास पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके जल्द समाधान के लिए निर्देश भी अधिकारी को दिए। झज्जर से सोनू धनखड़, आजाद टीवी न्यूज। जिसे बात हुई आपकी मीटिंग थी तो क्या रहा, क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी मंत्री विभाग की मंत्री से और सीएम सर से मीटिंग करवा दूंगा। और जब तक ये कहा अभी मैं जो बोल के आऊंगा सर हमारी बहनों के सामने जाके दो शब्द बोल दे, भाई आप कुछ आश्वासन दे दो मीटिंग का। बहनों के सामने तो मैं जब जाऊंगा तब आश्वासन दोगी भाई धरना उठा लेंगे। सर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे।